A very good morning everyone, my name is Pawan Sharma and friends, I welcome you to my channel Voodoo Stock Trainings. And guys, in this video we would be discussing about the stocks for 4th of November, that will be Monday. And all these stocks which I record for you, which I recommend you, I do analyze them, I do select them through several process. However, I always request you to do your own analysis. At least you should start doing a slow analysis with small quantity, because that will help you in becoming a independent trader in very short time. Okay, so let's talk about the stocks also, and let's talk about the stocks levels, their buying, their sellings, and their potential stop losses and their potential targets. Okay, and guys, if you see here, कल हमारा जो प्रॉफिट था वो था 35,000, नाउ द प्रॉफिट इज 3700. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हर रोज सेम प्रॉफिट नहीं हो सकता. आपका कैपिटल कितना भी है उससे कोई कनेक्शन नहीं है प्रॉफिट का. हाँ, कनेक्शन ये है कि बड़ा कैपिटल होने के बाद में आपको लॉस बड़ा लेना नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो है लॉस कैपेसिटी जो है, टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है. नो, इट इज़ नॉट. यू हैव टू कीप योर परसेंटेज ऑफ लॉसेज इन कंट्रोल. आपको 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है तो नहीं करना है, वॉट एवर इट इज़. तो लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि प्रॉफिट, अगर मैं ये सोच के चलूँ कि आज भी मुझे 50,000 कमाना है तो पॉसिबल नहीं रहेगा ना. तो वट एवर यू गेट, वट एवर मार्केट गिव्स यू, टेक इट एंड एन्जॉय द डे एंड कम बैक नेक्स्ट डे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. अ स्मॉल डिस्क्लेमर, बिकॉज एवरी डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से ऊपर होता है, एंड ऑल दीज वीडियोज आर फॉर योर एजुकेशन पर्पसेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ स्मॉल रिकैप, बहुत सारे चेंजेस किए हैं मैंने आज के प्रेजेंटेशन में ऑन योर रिकमेंडेशंस, नॉट रिक्वेस्ट बट रिकमेंडेशन. यू ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ यू गाइज हैज रिकमेंडेड मी दैट ओके डू दिस दैट विल be much better, and a lot many things are there, and I thank everybody who is sending me their recommendations, and I'm only picking the recommendation which are beneficial to everybody, not for individuals. ऐसा नहीं है कि मैं एक individual को लेके सोच रहा हूँ कि हाँ उन्होंने request किया था उनके लिए कर दिया. नहीं, it is on the basis of everybody request and which will be beneficial for everyone, not for just one individual. तो चलिए, कल के जो stocks थे हमारे Friday के लिए, अदानी पोर्ट्स में first target hit हुआ था. ओके, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया. लाइक 88 का था, 387 तक नीचे आया था. आई थिंक वो दैट वाज 393 से लेके 387 का उसने लो बनाया था, एंड आवर टारगेट वाज 388 अराउंड दैट द फर्स्ट टारगेट. तो एमएन फाइनेंस, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 1-2 पॉइंट्स के लिए, 50 पैसे के लिए, 35 पैसे के लिए ये मत सोचिए कि टारगेट अचीव नहीं हुआ. जब भी आप इसके आसपास आते हैं अपने प्रॉफिट बुक कीजिए. 362 हो सकता है अचीव नहीं हो, तो ये आप देखने को मिला है. तो इट राइजेस टू 361.65 और आवर टारगेट, सेकंड टारगेट वाज 362, व्हिच मींस यू आर ऑलमोस्ट अराउंड योर सेकंड टारगेट. तो आप उसको वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ग्रीड का कोई इलाज नहीं होता है. ओके, देन वी हैव टीवीएस मोटर्स. टीवीएस मोटर का हमारा जो टारगेट था 473 था, एंड इट मेड अ लो ऑफ 463, व्हिच मींस बियॉन्ड द टारगेट. रेक लिमिटेड, सिर्फ 1 पॉइंट मिला. 141 का हमारा बाय था एंड 142.something का हाई बनाया था. तो दैट वाज द ऑल वी गॉट, सो विच मीन्स ऑल ऑफ देम वर्क्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम. स्टॉप लॉस तक नहीं गया, टारगेट्स अचीव हुए हैं, एंड देन इट कम बैक. राइट, देन वी हैव फर्स्ट पिक आज के लिए होगा मेरा भारत पेट्रोलियम. क्यों? लास्ट 4 दिन से देखिए, 5 दिन से देखिए, 1 2 3 4 5, लेकिन 5ों दिन का देखिए यहाँ से क्लोजिंग ओपनिंग सॉरी, और बाकी दिन का लो देखिए लगातार, विच मीन्स ये जो 517 के अराउंड जो भी लेवल आता है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट इन अ स्मॉलर चार्ट फॉर ऑलमोस्ट लाइक फ्यू मंथ्स, इसीलिए उसको लग रहा है कि इतना, लेकिन ये अराउंड 515 510 तक भी हो सकता है. सो विल चेक व्हाट लेवल्स आर देयर. अगर ये इसने ब्रेक किया अपने इस लेवल को तो फॉल और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 500 तक जरूर चला जाएगा. क्यों? जितनी बार भी इसने फॉल किया है तो 510 और 500 तक भी नीचे जा सकता है. On the basis of that, we're going to buy BPCL above 525. Your first target will be 530, and 535 का second target रहेगा. Stop loss would be 520 in BPCL. और अगर बीपीसीएल ट्रेड करता है 516 के नीचे, जैसे मैंने कहा 517 बिकॉज दैट वाज अ स्क्वीज चार्ट, तो थोड़ा सा उसको एनलार्ज करेंगे तो 516 के अराउंड उसका सपोर्ट आ रहा है, तो 516 को ब्रेक किया तो 521 का स्टॉप लॉस लेकर यू कैन सेल इट एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 510 एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 505 इन BPCL. So you have to keep in mind. Then we have Concor. Concor ने result बहुत pathetic result दिया है, but if you look at the result and the impact, वो अपने support level के around ही trade कर रहा है, which means जो impact हुआ है market sentiments is not going against it so far. मंडे को क्या होगा वो देखते हैं. In Concor, we are going to buy above 585. Your stop loss will be 580. 590 would be our first target and 595 would be our second target. इसको 595 कीजिएगा. All right, 595 would be our second target. Once again, 4. Right, and then we have. If in case it start trading below 575, अगर impact देखने को मिला और sentiments negative हुए, then 570 would be your first target and 565 would be the second target with a stop loss of 580 in Concor. And guys, understand this part here. I know everybody has so many things in mind regarding the trading. पहले आप समझिए, आप पहले market में आते हैं और सबसे पहला questions आपका होता है, do you teach options? Yes, I do teach options. Do you can you support us in options? Yes, I can support in options. I want to start trading and I want to start trading with options. What the hell is this? आपने अभी इक्विटी का ABC भी नहीं समझा, आपने चार्ट्स को ये नहीं समझा कि आपने चार्ट्स को कैसे एनालाइज करना है, आपने ये नहीं पूछा कि चार्ट्स को आपने कैसे बाई सेल लेवल निकालना है, सीधा जंप करना है ऑप्शंस पे, सीधा जंप करना है, वो भी कहाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट. No, you don't have to. First of all, never think what others are doing. Never try to compete others. अगर दूसरों के साथ में compete करोगे तो दूसरा कितने साल से कर रहा है आपको नहीं पता, कैसे कर रहा है आपको नहीं पता. He might have gone through some professional trainings, you don't know. He might have some professional guidance, you don't know. But looking at others, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. People don't discuss their लॉसेस, दे ओनली डिस्कस देयर प्रॉफिट्स है. तो वो बहुत सारी चीज़ों को आपने समझना है और आपने तब ऑप्शंस तो थर्ड फोर्थ स्टेप आता है, कॉमोडिटी उसके बाद आता है, करेंसी उसके बाद आता है. पहले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इक्विटी पे. इक्विटी पे अगर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो ट्रस्ट मी यू कैन ऑल्सो मेक मनी थ्रू ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ऑल्सो. लेकिन अगर आप पैसा इक्विटी में ही नहीं कमा पा रहे हैं तो ऑप्शन के बारे में सोचना बंद कीजिए. डोंट इवन थिंक अबाउट ऑप्शंस एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 to 6 मंथ. ओके, सो यू नीड टू मास्टर वन ट्रेडिंग स्टाइल. और सबसे पहले ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा मास्टर करना पड़ता है? इक्विटी में यू कैन बी अ ट्रेडर, यू कैन बी अ इन्वेस्टर, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन पहले इक्विटी में जाइए, उसके बाद दूसरे पे जाइए. मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि I could not understand the market. I will come back when the market is going to give me some direction. इसका मतलब ये है कि when in doubt, stay out of market. Doubt है ना मुझे, मैं उसको accept नहीं कर पा रहा हूँ कि market कहाँ जाएगा. I cannot analyze it. ठीक है, तो सबसे best क्या होता है? No trade during that period. तो अगर कोई ये सोचता है कि I'm a fool or I don't know the trading, yes, I don't know the trading then. क्यों? क्योंकि जबरदस्ती trade लेना trading कहलाता है, तो वो I am not the kind of trader जो जबरदस्ती ट्रेड लेगा ही लेगा, because I have to give you some suggestions. तो please understand, when in doubt, don't trade and stay out of the market during that period. वो हो सकता है पूरा दिन भी आपका लग जाए, हो सकता है 2 hours है, 3 hours है, so don't worry. लेकिन 2 hours 3 hours का मतलब पता क्या होता है? You have to fix your timeline also to exit from the market. My timeline is 11 to 12 o'clock. 11:30 तक I mostly wrap up my trades. And after that, even if the market is giving me direction, I don't come back. So this is what you have to understand. Let's look at the other stock. अगला stock है मेरा Cummins India. Cummins India इसी range में लगातार trade कर रहा है. Okay, if I look at this point here, then it is showing me some downfall also. अगर ये नीचे गिरा 537 या 540 के around जो levels बना आ रहा है, okay, I think 545 something like that, then it is going to fall like anything after this one. 550 का closing है, which means around 545 गिरा, तो it will come down really very fast to once again to 537, 530 also. Okay, so because of this pattern which we are looking at, Cummins को हम buy करेंगे 554 के ऊपर, stop loss रहेगा 549 का, target will be 560 and 565 would be the second target. And Cummins start trading below 546, sell it with a stop loss of 551 for a target of 540 and 535 as the second target. Okay. Next will be Grasim. Grasim का देखिए जो ये candle है इसको rejection candle कहते हैं. And it tried to reach towards its 200 moving average और वहाँ से reject हुआ है. अगर इसके टच करके इसके क्रॉस कर लेता तो मे बी इट माइट शो बुलिशनेस, तो दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग अप. तो अगर ये वापस कल इसके लिए देखिए जब भी एक 200 मूविंग एवरेज को अचीव करने की कोशिश की जाती है तो स्टॉक विल ऑलवेज ट्राई वंस अगेन. तो अगर ये ट्राई करता है देन ऑल्सो इट्स गुड. इफ इट्स हैव ऑलरेडी ट्राइड इट एंड इट द मार्केट सेंटिमेंट इज नॉट पॉजिटिव टुवर्ड्स ग्रासिम तो वो नीचे गिर सकता है. लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट और पॉजिटिविटी को देखें तो मार्केट थोड़ा टाइम के लिए और अप मूव में रहेगा. सो विद दैट इन माइंड वी आर गोइंग टू बाय ग्रासिम अबाउट 782, स्टॉप लॉस कीप इट ऑफ 775, योर फर्स्ट टारगेट विल बी 790 एंड 797 एज द सेकंड टारगेट. एंड इफ इन केस ग्रासिम स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 770, सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 777 and 762 would be your first target and 755 would be the second target. Okay, type error. So 762 and 755 is the first and the second target in Grasim. And guys, my next workshop is in Pune next weekend, November 9th and November 10th. So if you want to join me and you want to learn all these technical analysis, मैंने आपको बताया भी है ट्रेडर का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको 1 ईयर तक कोई भी ट्रेड आसानी से मिल सकता है. सो इफ यू हैव अ प्लान टू इन्वेस्ट एंड गो इनटू इन्वेस्टमेंट टिल 1 ईयर यू कैन गो थ्रू दी टेक्निकल एनालिसिस. उससे ऊपर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में यू हैव टू एंटर. एंड इफ यू वांट टू बी इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर or maybe option trader, then you need to understand the technical analysis. Options और future part होते हैं technical analysis का. क्यों? क्योंकि 3 months से ज़्यादा आप उनको hold नहीं कर सकते हैं. So you need to understand the technical analysis in depth too for that. So if you are looking to join me in Pune, then the dates are this and 9th and 10th and Hotel Orbit, Shivaji Nagar. And if you have any question query, then 97114111 007 would be our number for any kind of training inquiry. लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50. निफ्टी 50 का आप नोटिस किया होगा आपने, कल मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 एक रेंज में ट्रेड करेगा एंड इट नीड टू ब्रेक दैट 950 टू 925 का जो लेवल है उसको ट्रेड ब्रेक करेगा तो आप उसको अचीव करेंगे आगे. ओके, सो व्हेन इट विल ब्रेक दैट लेवल ओनली देन द 12,000 लेवल कुड बी अचीव्ड. और अगर उसने 850 875 को क्रॉस किया तो वो नीचे आएगा. देखिए कल भी उसने लो तो बनाया था 843 का बट कुड नॉट होल्ड दैट लेवल, विच मीन्स इट कुड वंस अगेन ट्राई टू ब्रेक द लोअर पार्ट ऑल्सो. तो उसको हम देखते हुए क्या करेंगे, हम अब ट्राई करेंगे बाय करने के लिए 11,925 के ऊपर, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस ऑफ 11,900, टारगेट विल बी 975 एंड 12,000 इज द सेकंड टारगेट. जैसे मैंने आपको बताया, अगर क्योंकि 925 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी. चलिए काम करते हैं इसको, अब वीकेंड है तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो अ बिट मोर लॉन्गर. तो हम क्या करते हैं, एनएस इंडिया पे जाते हैं और ऑप्शन एनालिसिस को चेक करते हैं करंट उसके लिए, और इसमें हम देखते हैं, मैं आपको इसको क्या करता हूँ, आई ब्रिंग माई दिस और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट. राइट, ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ओपन एनालिसिस ज़्यादा हो रहा है. देखिए एडिशन कहाँ हो रहा है, एडिशन सबसे ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एडिशन हुआ है यहाँ पे, विच मीन्स नाउ 7,10,000 का एडिशन हुआ है. तो आपको उसको पता है क्या समझा जाता है, इसको समझा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 12,000 को ब्रेक करने के लिए, विच मीन्स हो सकता है कल वो 12,000 को टच ना करें. पुट साइड में आते हैं पुट साइड में एडिशन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हुआ, विच मीन्स कल 800 के आसपास ट्रेड करेगा और यहाँ से अगर हम देखें 900, तो आई थिंक इट विल ट्रेड अराउंड 800 टू 900 ओनली। वो 12,000 कल हमें अचीव होने को नहीं देख पा रहे हैं एज दी ऑप्शन एनालिसिस। ठीक है, ये कोई ग्राउंड रूल नहीं है, कोई ये बेंचमार्क नहीं है इसको समझने के लिए। आई ऑलवेज से दैट, बट अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट वी कैन सी। यू कैन सी 7 लाख यहाँ पे है, 7 लाख यहाँ पे है, विच मीन्स दिस इज एक्टिंग एज अ रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, विच मीन्स it will not break 11,800 as per the open analysis, and it will not break 12,000 also, or maybe it will not even go toward that 12,000. So which means this expiry could be between this 200 rupees only as per today's analysis, as per the Friday data. तो उसको हम ध्यान रखते हुए देखते हैं। All right, if you want I can share this on Telegram also. तो आप मुझे Telegram पे join भी कर सकते हैं if you are looking for further analysis. तो निफ्टी को हम ब्रेक करेंगे, सॉरी सेल करेंगे 850 के नीचे, एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 800 एंड 11,775 वुड बी द सेकंड टारगेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11,875, एंड देन वी हैव अ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज द ओनली रीजन, और अभी तो ऑटो भी हो गया है। बैंक निफ्टी और ऑटो, कल तो मीडिया ने भी काफी अच्छा काम किया, तो बिकॉज ऑफ दीज आई थिंक वी विल हैव अ पॉजिटिव मार्केट वंस अगेन टुमारो एज वेल। अगर मैं आपसे बात करते वक्त अगर ग्लोबल मार्केट को चेक करूं, तो ग्लोबल मार्केट को मैं चेक करता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस माय ऐप विच इज़ टेली ट्रेडर्स। मैंने आपको हमेशा बताया है, तो अगर आप ग्लोबल मार्केट को चेक करना है तो टेली ट्रेडर्स ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट शोज दैट एंटायर रीजन इज ग्रीन। इट कुड बी यूके, यूएस, जर्मनी, कैग, सेमी, जापान, completely green, and a very good green which you can see in the global market also. So it will be quite possible कि कल हमारा market positive रहेगा until unless some bad news does not comes in. Bank Nifty को हम buy करेंगे 420 के ऊपर, 30,420. Why? Because ये कल का और उससे पहले दिन का Thursday Friday का high रहा है. So if it trade above 420, then that will be a good buy for us. 30,370 will be our stop loss, and 550 would be our first target, and 650 would be the second target. And if Bank Nifty start trading below 250, 30,250, sell it with a stop loss of 30,300. Target will be 30,100 and 30,000 as a second target. Okay, and guys, this is my video from the list which I have started going through those. एजुकेशनल वीडियो ये मेरा नेक्स्ट डाला है, गो थ्रू दोज वीडियो। दिस विल टेल यू कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना चाहिए, विच काइंड ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बी। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, आई एम सेइंग यू नीड टू एनालाइज बाय योरसेल्फ कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है। तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, आई विल पुट द लिंक फॉर दिस सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो बिलो दिस वीडियो। और गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड दिस इज माई डायरेक्ट लिंक फॉर माई टेलीग्राम। अगर आपको ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत है, this is also available in the description box, and for any kind of account opening then the links, links are also there in the description box, and the website address is voodootrainings.com. you can also go through my website and contact me from there, and all the links are also available there on the website. All right, so that's all about it guys. I'll see you into my next video. Have a nice day, take care.